नमस्कार, आपने वो कहा था कि पाठ्यक्रम के कुछ ऐसे प्रकार है जो समझ में नहीं आते, तो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके सामने। तो उसमें कुछ आपने नाम सुने होंगे कि कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ बात करेंगे कौन कौन से नए नए प्रकार के पाठ्यक्रम अभी आए। तो अभिविन्यास या ओरिएंटेशन जो आपका सिलेबस होता है, ये वो सिलेबस होता है जिसके अंतर्गत किसी नए वातावरण में जब कोई जाता है, जैसे कि आपकी पोस्टिंग हुई किसी कॉलेज में आप पढ़ा एज अ टीचर, तो आपको क्या कराया जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाएगा। उसके लिए जो पाठ्यक्रम होता है वो ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम या अभिविन्यास पाठ्यक्रम कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे अंतराल पाठ्यक्रम। अंतराल पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जो एक नेट पीरियड के बाद होता है, मतलब रुक रुक के कराया जाता है और किसी विशेष इसका उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका संचालन किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा रिफ्रेशर आपका पाठ्यक्रम। रिफ्रेशर पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसे हिंदी में पुनश्चर्य कहते हैं, और नए पाठ्यक्रम की सहायता से नए विचारों को समाहित करने के लिए हर 5 वर्ष बाद 3 माह के लिए इसको कराया जाता है। अक्सर ये टीचर्स को कराया जाता है, और टीचर्स के जैसे सिलेबस चेंज हुआ उनको नहीं जानकारी, तो 3 माह का ये हमेशा कोर्स चलाया जाता है कि उनको बताया जाए कि नए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें किस प्रकार से पढ़ाना है। इसके अलावा आपने सुना होगा पत्राचार या करस्पॉन्डेंस, तो ये वो पाठ्यक्रम होता है जो पत्रों के माध्यम से होता है। ऐसे ही दूरस्थ आपका होता है, ई लर्निंग का पाठ्यक्रम जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलता है। इसी प्रकार आपका प्रायोजित पाठ्यक्रम होता है। प्रायोजित पाठ्यक्रम स्तर पर उस पाठ्यक्रम से लिया जा सकता है जिसमें अधिगमकर्ता की सफलता के लिए किसी विशेष पाठ्यक्रम को प्रायोजित किया जाए, ये उसके सक्सेस के लिए कंसर्न होता है। मतलब हमें शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए ऐसा पाठ्यक्रम संचालित करना है जो उस अधिगमकर्ता को सफल बना सके। इसके अलावा आपका एक और पाठ्यक्रम होता है एक्सटेंसिव पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम से तात्पर्य वह है जो लॉन्ग टर्म आपके पाठ्यक्रम होते हैं उन्हें एक्सटेंसिव पाठ्यक्रम कहते हैं।